हेलो एवरीवन, मैं हूँ माधवी और स्वागत है आप सभी का माधवीज किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल डिलीशियस चॉकलेट ग्लेज केक। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैं बनाने वाली हूँ जिससे कि आप सभी बहुत ही आसानी से ये केक बना पाएँ। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है इकोबेक पार्चमेंट पेपर, इससे हम केक टिन को लाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर केक टिन लिया है और इसको हम पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लेंगे, ये देखिए। और साइड में भी मैं इस तरह से स्ट्रिप्स लगा दे रही हूँ, इससे क्या होगा कि केक चिपकेगा नहीं केक टिन में। तो ये देखिए, अगर आपके पास ना हो ये पार्चमेंट पेपर तो आप सिंपली ग्रीस करके केक टिन को डस्ट भी कर सकते हैं मैदे से। अब हम बैटर बनाने की तरफ चलते हैं। तो एक ब्लेंडर जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, और अब इसमें डालेंगे हम एक चौथाई कप रिफाइंड ऑयल और आधा कप दूध इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे एक टीस्पून विनेगर। और अब सारी चीज़ों को हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे, ये देखिए। साथ में एक चुटकी इसमें मैं नमक भी डाल दे रही हूँ, और सभी चीज़ों को एक बार ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लेने से चीनी भी ग्राइंड हो जाएगी और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ क्रीमी ये मिक्सचर बन गया है। तो बस ये तैयार है, इससे हमारा जो केक है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बोल में, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो पहले एक छन्नी ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक कप और एक चौथाई कप मैदा। आप चाहें तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैदा ना यूज़ करना चाहें तो। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है हमें, और छानने के बाद अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे अच्छे से, इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे ताकि इस मिक्सचर में लम्स ना रहें और बैटर एकदम स्मूथ सा बन जाए। ये देखिए, मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा थिक है तो हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप दूध और ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए, दूध हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है। दूध को मैंने बॉयल करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया है और वही दूध मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, दूध को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे और स्मूथ बिना लम्प का बैटर तैयार करेंगे हम। जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं सारा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, स्मूथ सा हमारा केक का बैटर तैयार है। अब केक के बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में जो हमने पहले से तैयार करके रखा था, और इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें अगर एयर बबल कोई ट्रैप हो गया हो तो रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसको रखेंगे कढ़ाई में बेक होने के लिए। तो कढ़ाई मैंने प्री हीट कर ली है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। केक को इसमें रख देंगे बेक होने के लिए, इसे बेक करेंगे 35 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं या ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए, 40 मिनट के बाद हमारा जो केक है बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है। ये देखिए, नाइफ भी क्लीन है। तो केक हमारा हो गया है रेडी, इसको अब हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग करेंगे। आइए अब हम तैयार कर लेते हैं चॉकलेट गनाश, जिससे हम चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये कहीं भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये 400 ग्राम का स्लैब है, तो मैं यहाँ पे इसका आधा यूज़ कर रही हूँ, मतलब 200 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो चॉकलेट को पहले हम इस तरह से चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, इससे इसे मेल्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। अब चॉप करने के बाद चॉकलेट को हम रख लेंगे एक बड़े बोल में। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप, ये देखिए, आधा कप व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप सिंपल अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून बटर, इसे हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डबल बॉयलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो डबल बॉयलर में मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, पानी बॉयल होने लगा है, इसके ऊपर मैं ये बॉल रख दूँगी। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, धीरे धीरे ये जो चॉकलेट है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गया है, इसे हम इसी तरह मिलाते जाएंगे और थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है और चॉकलेट क्रीम बटर अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं, और ये तैयार हो गया है हमारा चॉकलेट गनाश। आप देख सकते हैं बहुत ही शाइनी है क्योंकि हमने इस पर बटर ऐड किया था, और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ है। चॉकलेट गनाश हमारा तैयार है, तो इसको हम डबल बॉयलर से उतार लेंगे और इसको ठंडा करना है हमें ताकि
ये अभी आप देख सकते हैं ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, तो इसे स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में लाना है। तो इसे जब हम ठंडा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसको हम रख देंगे 40-45 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि ये ठीक हो जाए। और इधर हम तैयार करेंगे चॉकलेट ग्लेज। तो इसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है एक सॉस पैन में, इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और पानी को हम गर्म करेंगे ताकि चीनी अच्छे से उसमें घुल जाए और इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं इस सिरप में उबाल आ चुका है और धीरे धीरे चीनी भी हमारी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप कोको पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। ये देखिए अच्छे से कोको पाउडर मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने आधा कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मैंने चॉप कर लिया है। इस ग्लेज में मैं जेलेटिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप अमूल फ्रेश क्रीम और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम ईजी मेजरमेंट है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। इससे ये जो मिक्सचर है थोड़ा थिक हो जाएगा। इसमें जो हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाला है वो इसे सेट करने में हेल्प करेगा। इसमें जिलेटिन अगर अगर वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा हमारा थिक हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मिक्सचर हमारा थिक हो गया, ये ठंडा होने के बाद और थिक होगा। तो ये तैयार हो गया हमारा चॉकलेट ग्लेज। इसको हम गैस से उतार लेंगे और अब ठंडा होने देंगे। जब ये चॉकलेट ग्लेज रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसको हमें छान लेना है एक बार। आप देख सकते हैं कितना शाइनी ग्लेज है। तो जब हम इसको केक के ऊपर डालेंगे ना बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में, एकदम मिरर के जैसा इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा जो चॉकलेट ग्लेज है ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो गया है। और तो अब इसको हमें एक छन्नी की मदद से इस तरह से छान लेना है और इसे एक कप में रख लेंगे। और यहाँ हमारा जो केक है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसको केक पिन से निकाल लेंगे हम। ये देखिए और जो हमने पार्चमेंट पेपर लगाया था वो भी निकाल लेंगे। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक बना है हमारा। तो अब केक की फ्रॉस्टिंग करनी है तो इसे हमें पहले कट कर लेना है लेयर्स में। तो पहले जो इसका अनइवन लेयर है ऊपर का उसे हम ट्रिम करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर कितना स्पंजी बना है केक हमारा और मॉइस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और अब केक को हम 3 लेयर में डिवाइड कर लेंगे। आपको अगर 2 लेयर में डिवाइड करना है तो आप 2 में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लेयर में डिवाइड कर रही हूँ केक को। ये देखिए केक को कट करने के लिए मैंने केक लेवलर का यूज़ किया है, ये काफ़ी आसान होता है यूज़ करने में। तो ये देखिए मैंने केक को 3 लेयर में डिवाइड कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग। आप देख सकते हैं ये जो चॉकलेट गनाश है हमारा ये भी अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। ये 45 मिनट तक मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो इसको एक बार इस तरह से अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी हो जाए। और इससे क्या होगा हमें बहुत ही आसानी होगी केक की फ्रॉस्टिंग करने में इससे। तो ये देखिए चॉकलेट गनाश काफ़ी क्रीमी हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर लेंगे केक का, उसके ऊपर हम थोड़ा सा इसे सोक कर देंगे शुगर वाटर मिक्सचर से। 2 टेबलस्पून चीनी को मैंने आधा कप पानी में डिसॉल्व कर लिया है और इसी मिक्सचर से हम केक को सोक कर देंगे। और अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे चॉकलेट गनाश इस तरीके से इवनली चारों तरफ अच्छे से केक के लेयर के ऊपर हमें इसे स्प्रेड करना है। और अब इसके ऊपर हम केक का दूसरा लेयर रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और अब इसे फिर से सोक करने के बाद इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये गनाश हमारा स्प्रेड हो जा रहा है। और इसके ऊपर फिर हम रखेंगे अपने केक का थर्ड लेयर, इसको भी सोक कर लेंगे। और अब केक को हम पूरी तरह से गनाश से कवर कर लेंगे। अब ये देखिए साइड में भी मैंने चॉकलेट गनाश लगा दिया है इस तरीके से और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है गनाश से। अब हम क्या करेंगे इस केक को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो करीब करीब आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रहने देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने केक को निकाल लिया है फ्रिज से। इसके ऊपर जो गनाश है चॉकलेट वाला वो अच्छे से सेट हो गया है। तो एक प्लेट पे हम इस तरह से एक छोटा केक टिन रखेंगे या फिर कोई कटोरी भी रख सकते हैं और उस पर हम रखेंगे ये केक। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्लेज जो हमने कप में छान कर रखा था। और आप देख सकते हैं सेंटर से स्टार्ट करते हुए हमें बाहर की तरफ जाना है और ग्लेज को
पूरा केक के ऊपर डालते जाना है। इससे क्या होगा, जो केक है हमारा वो पूरा अच्छी तरह से ग्लेज से कवर हो जाएगा और एकदम स्मूथ फिनिश है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है ये ग्लेज बनाने में और बिल्कुल स्मूथली केक को कवर कर लेता है और बहुत ही अच्छा इसका मिरर इफ़ेक्ट आता है। ये देखिए तो केक अच्छे से कवर हो गया है ग्लेज से और बस इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ग्लेज है वो नीचे जमा हो जाए प्लेट में। ये जो नीचे ग्लेज जमा हो रहा है इसको हम कलेक्ट करके इसको रख सकते हैं फ्रिज में 1 वीक तक। ये ख़राब नहीं होता है, 1 वीक तक हम इसे किसी और केक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद नीचे ड्रिप हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्मूद आउट कर लेंगे और ये लीजिए हमारा जो केक है ये तैयार हो गया है। इसको हम बहुत ही केयरफुली स्पैचुला से उठाकर प्लेट में रख देंगे। इसे बहुत ही आराम से ये देखिए अच्छे से उठाकर प्लेट में रख लेना है। तो आप देख सकते हैं केक की फिनिश कितनी अच्छी आई है, बहुत ही शाइनी केक हमारा बना है। अब केक को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट शेविंग्स। तो चॉकलेट शेविंग्स को मैं केक के साइड में इस तरह से स्टिक कर दूंगी, इससे केक हमारा काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। वैसे तो आप अपने तरीके से कैसे भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं, मैं केक को बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। इसमें पाइपिंग बैग नॉजल वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये देखिए चॉकलेट शेविंग्स को अच्छे से स्टिक कर दिया है मैंने केक के चारों तरफ, केक हमारा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। इसके बाद हम केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ग्लेज जो है ये सेट हो जाए केक के ऊपर। वैसे भी केक हमारा ठंडा है तो ग्लेज जल्दी से सेट हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रही हूँ गोल्डन बॉल से। अगर आपके पास कोई और भी स्प्रिंकल्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसे केक हमारा और भी देखने में सुंदर लगेगा। तो ये देखिए केक को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, ग्लेज अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसे कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट डिलीशियस केक बना है, ये देखिए देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना डिलीशियस हमारा चॉकलेट केक बना है। ये देखिए लेयर्स भी काफ़ी अच्छे से आए हैं और आप देख सकते हैं ग्लेज काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है केक के ऊपर। तो बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट ग्लेज केक हमारा तैयार है, बेकरी से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया केक हमारा बना है। तो दोस्तों तैयार है हमारा बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस मॉइस्ट चॉकलेट ग्लेज केक। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा ये केक। इसे बनाइए किसी भी ओकेजन पर और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।